एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, वॉइस क्वालिटी अच्छा ना आ रहा हो तो बुरा मत मानना। और इसी के साथ ही एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और एरिन खड़ी होती है और तभी सामने की तरफ देखते हैं और उसे पता लगता है कि आज तो मंडे है। और वो कहती है, शेट, मैंने तो तुम्हें को मेल भी नहीं किया होगा। और वो काफ़ी जल्दी खड़े होने की कोशिश करती है और वो तभी नीचे देखती है। उसे पता लगता है कि उसने तो तुम्हें के चेहरे पे पाँव रख दिया है। और तभी एरिन से तुम्हें कहता है कि तुम अपना पाँव हटाओगी। और सीन शिफ्ट होता है और एरिन कहता है, और तुम्हें कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया था, आखिर तुम किसके साथ आ गए। और एरिन कहता है, ये अना का सान है। तुम्हें कहता है, हेलो। तभी तुम्हें कहता है, यार मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए बुलाया था और तुम क्या कर रहे हो। तभी एरिन कहता है, जब तुमने मुझे बुलाया था तब मैं शॉप पे इनके साथ किसी काम की बात कर रहा था, पर फिलहाल मैंने तुम्हारी जब इमरजेंसी इन्हें बताई तो ये अपनी ही गाड़ी उठा लाई मदद करने के लिए। तुम्हें कहता है कि मैंने तो बस ट्रैवल करने के लिए थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने थोड़े से पैसे मांगने के लिए तुम्हें बुलाया था। तभी एरिन कहता है कि इतनी रात हो गई है और ट्रेन या टैक्सी तो तुम्हें मिलने नहीं वाली, और वैसे भी अगर ट्रेन मिली तो तुम्हें तो लास्ट ट्रेन मिस करने की आदत है ना तुम्हें। तभी तुम्हें काफ़ी मायूस सा हो रहा होता है। कितने में एरिन कहता है, चलो साथ में चलते हैं नाचुगा हिल तुम्हें। और सीन शिफ्ट होता है। एरिन कहते हैं, क्या वो बीमार पड़ गई है। तुम्हें कहते हैं कि उसके पेरेंट्स इंग्लैंड गए हुए हैं तो इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो मुझे ही वहाँ जाके देखना पड़ेगा। तभी एरिन कहते हैं, पर तुम्हारी डेडलाइंस का क्या। तुम्हें कहते हैं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास, मेरा दोस्त वहाँ बीमार पड़ा है। एरिन कहता है कि तुम ज़्यादातर ऐसे बातें नहीं करती। एरिन की तरफ तुम्हें देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह चालाक और हार्टलेस भी तो नहीं बन सकता। एरिन कहता है, इसी वजह से तो तुम आखिरी मिनट में, जहाँ तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, तुम यहाँ पे आए हो। खैर मैं तुम्हें बता दूँ, ये इवेंट तुम्हारी गेम के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है। तभी तुम्हें कहता है, पर हमने लगता है इस गेम में ज़्यादा ही मेहनत कर ली है। तुम्हें से एरिन कहता है, कहीं तुम पीछे तो नहीं हटने वाले। खैर तुम्हारे हाई स्कूल सर्कल का क्या हाल है। तुम्हें कहता है, ज़्यादा खास नहीं। एरिन कहता है, ऐसा क्या। खैर तुम हमेशा से ही ज़्यादा सीरियस लगते हो। तुम्हें ये समय मुझे नहीं लगता कि तुम नाचुगा हिल जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। तुम्हें ये काम किसी और को दे देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी डेडलाइंस का समय है तो तुम्हें घर पर बैठ के अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए था। तुम्हें कहते हैं कि नहीं, मैं अपना काम किसी दूसरे को नहीं दे सकता, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। और दूसरी तरफ क्यों तो तुम्हें को फ़ोन मिला रही होती है और तुम्हें देखता है और अपने फ़ोन को नहीं उठा रहा होता। एरिन तुम्हें से कहते हैं कि तुम्हें ये ठीक कर रहे हो तुम्हें। तुम्हें कहते हैं, क्या। तुम्हें से एरिन कहते हैं कि तुम अकेले ही काशीवागा एरिन, मेरा मतलब सावमोरा को बचाने के लिए जा रहे हो। तुम्हें तभी हिचकिचाता है और इतने में तुम्हें एरिन के घर आ चुका होता है और वो देखता है सामने फोटो होती है और एरिन भी वो सारी फोटोएं देख के हैरान होता है। और वहाँ बगल में ही एरिन बेहोश पड़ी होती है, जिसके बाद तुम्हें एरिन की मदद से एरिन को उठाता है। एरिन कहते हैं कि इना कसान, आप गाड़ी में से सामान उतारिए। जिसके बाद एरिन जाते हुए देखता है और वो स्माइल कर रही होती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एरिन कहते हैं कि ये लो तुम्हें, तुम्हें इस शॉप से थोड़ा सामान लेने में मदद मिल सकती है। अभी आधा दिन ही बीता है तो तुम अपने किसी दोस्त से कह के वहाँ पैसे भिजवा दो, शायद से तुम्हारी गेम कंप्लीट करने में मदद हो जाए। तुम्हें कहते हैं, माफ़ करना एरिन। एरिन कहते हैं, अगर पैसों से कोई चीज़ दूर होती है तो तुम्हें पैसे खर्च करने में हिचकना नहीं चाहिए तुम्हें। और एरिन के जाते ही तुम्हें एरिन को शुक्रिया करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एरिन को दिखाया जाता है। एरिन कहती है कि डॉक्टर ने क्या बोला तुम्हें। तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, खैर तुम्हें फीवर नहीं हुआ। एरिन कहती है, अचानक से मुझे ठंड लग गई। तुम्हें कहते हैं, पर फिर भी तुम्हें आराम करना चाहिए। एरिन कहती है, क्या तुमने मेरी ड्राइंग देखी तुम्हें। तुम्हें कहते हैं कि हाँ, मैंने उन सारी ड्राइंग को देखा, वो बहुत अच्छी है। एरिन कहती है, क्या सच में। तुम्हें कहता है कि हाँ, तुमने बढ़िया काम किया। एरिन कहती है, अगर तुम यहाँ आ गए हो तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरी एलिस्टेशन का काम पूरा हो गया है और तुमने उन फोटो को
प्रिंट कराने के लिए गेम पूरी करने के लिए भेज दिया होगा, है ना तुम्होया? तुम्होया कोई जवाब नहीं दे रहा होता। कितने में एरी तुम्होया को पकड़ती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे हो तुम्होया, तुम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अभी तक तुमने फोटो प्रिंट के लिए नहीं भेजी। तुम्होया कहता है पर तुम बीमार हो। तभी एरी तुम्होया के हाथ पे हाथ मारती है और कहती है कि तुम इतनी छोटी बातों पे कभी हार नहीं माना करते थे तुम्होया, आखिर तुम्हें हुआ क्या? तुम्होया कहता है कि डेडलाइंस निकले जा रही थी और मेरा दोस्त अचानक से बीमार हो गया, तो आखिर मैं किसे चुनता? एरी तुम्होया को पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुम दोनों को चुन सकते थे तुम्होया। तुम्होया तुम क्या चाहते हो कि मेरा ये हफ्ता जो मैंने पूरा किया ये बेकार चला जाए? मेरा हफ्ता क्यों? हम सब ने इसमें मेहनत की है पूरे आधे साल की, क्या तुम वो सब बेकार जाने देना चाहते हो? तुम्होया कहता है कि ये गेम की रिलीज डेट कभी डिसाइड नहीं की गई थी, तो ये गेम अगर थोड़ी लेट आएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। एरी तभी तुम्होया को कहती है कि तुम्होया तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्होया कहता है कि हाँ शायद से तुम ऐसा कह सकती हो। और फ्लैशबैक में एरी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम्होया मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, और तुम्होया उसे पट्टी कर रहा होता है। और बैकग्राउंड से तुम्होया कहता है कि अगर मैंने उस समय सही फैसला नहीं लिया होता तो शायद से एरी अब तक मर चुकी होती। तभी तुम्होया आता है और कहता है कि एरी तुम्हें कुछ खाना चाहिए, और कहता है कि यार विंटर में हम थोड़ी आगे रिलीज कर लेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है अगर एक गली में 100 घर जल जाए तो, है ना? तुम्होया कहता है पर तुम्हें रोजिन रोगिन हाशिमा इजुमी को टक्कर देने का फैसला छोड़ देना चाहिए एरी। एरी कहती है पर मैं तुम्होया तुम्हारी नंबर वन नहीं बन पाई। तुम्होया कहता है कि ये सच नहीं है, जरा तुम इन फोटो की तरफ नजर डालो, ये फोटो कितनी ज्यादा क्यूट है और ये बहुत ज्यादा मोइंग है। एरी कहती है मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ तुम्होया, क्या मेरी फोटो उससे ज्यादा अच्छी है? तुम्होया कहते हैं हाँ। एरी कहती है क्या ये किसी भी एलिस्ट्रेटर से अच्छी हो सकती है? तुम्होया कहते हैं हाँ। एरी कहती है कि तुम्होया मैं तुम्हारी अब नंबर वन एलिस्ट्रेटर हूँ ना? तुम्होया कहता है हाँ। एरी कहती है मुझे ये सुन के अच्छा लगा, अब मैं हियोदो मिचिरो और काजुमी हुका और इजुमी से आगे निकल चुकी हूँ। तुम्होया तभी एरी के सर पे हाथ मारता है और कहता है ये सच नहीं है, तुम बुद्धू हो। खैर मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। एरी कहती है पर मैं तो कप नूडल खाऊंगी। तुम्होया फिर से हाथ मारता है और तुम्होया कहता है कि तुम्हें यही खाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और एरी कहती है कि मुझे कौन सा तोहफा लेना चाहिए तुम्होया? तुम्होया कहता है तुम खुद से पसंद करो। और थोड़ी देर बाद तुम्होया कहता है कि मुझे कौन सा प्रेजेंट लेना चाहिए? तभी एरी कहती है रूबी। तुम्होया गेम में रूबी सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद एरी कहती है सिल्वस काफ़ी अच्छे से प्रपोज करता है ना तुम्होया? तुम्होया कहता है कि उसका प्रपोज करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जिसके बाद एरी तुम्होया का गाल खींचती है और कहती है कि सिल्वस के फैन के सामने उसकी बुराई मत करो तुम्होया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्होया कहता है प्लीज़ मुझे मारना बंद करो। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एरी कहती है कि हम फिर से पहले की तरह हो गए, है ना तुम्होया? तुम्होया कहता है कि हाँ। एरी कहती है कि हम पहले भी पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर में बैठ के गेम खेलते थे और एनिमे देखते थे। तुम्होया कहता है क्योंकि तुम बीमार रहती थी इस वजह से, तुम अभी भी बीमार हो। तभी सिल्वस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ। कि एरी कुछ सोचने लगती है और तुम्होया से कहती है कि कल हम वापस जा रहे हैं। तुम्होया कहता है पर तुम्हारी सेहत का क्या? एरी कहती है मैं अपने ड्राइवर को बुला लूँगी। तुम्होया के कंधे पर सर रख के कहती है कि हम कल साथ में घर वापस चलेंगे तुम्होया। और तुम्होया कहता है कल मुझे सर्कल से जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा आखिर क्या हुआ। एरी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्होया, मैं माफ़ी मांग लूँगी। तुम्होया कहता है कि पर मुझे आखिरी पल में कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए थी। और एरी तुम्होया का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि इसमें उसकी गलती है, उसे ही माफ़ी मांगनी होगी तुम्होया। एरी कहती है मुझे माफ़ कर दो तुम्होया। और तुम्होया याद करने लगता है एरी की बात, जब एरी ने कहा था कि वो उसकी जब नंबर वन बनेगी तभी वो उससे माफ़ी मांगेगी। तुम्होया ये वाली बात याद करता है और एरी
तो मोया के गेम का रिमोट पकड़ती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉमिक विंटर दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमी होका कहती है अगर हमें थोड़ा और टाइम मिला होता तो हम इस गेम का ट्रेलर भी रिलीज कर पाते। तो मोया कहता है मैंने माफ़ी मांगी तो है पर मैं इस गेम में थोड़े और डायलॉग्स जोड़ना चाहता था, क्या ये बात गलत है? एरी कहती है ये बात बिल्कुल सही है, अगर दोशीजिन गेम में और डायलॉग्स जोड़े जाए तो इससे ये और इंटरेस्टिंग बनती हैं। तभी तोमोया कहता है और लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा बिजी लगते हैं। मिचरो कहती है कि हर कोई किसी के काउंटर पर खड़ा है और मुझे देखो मैं यहाँ खड़े खड़े बोर हो रही हूँ। तभी तोमोया को फुंदक आती है आखिर मिचरो ऐसे क्यों कह रही है, और काजुमी होका कहती है देखो मिचरो ये जो DVD की कॉपी है इन पे ढंग से प्रिंट नहीं चढ़ा हुआ स्टिकर का। और एरी आती है और कहती है कि काजुमी होका तुम्हारी तो शिकायतें कम नहीं हो रही जब से मैंने सर्कल से माफ़ी मांगी है। काजुमी होका कहती है तुम भी तो नहीं बदली एरी, खैर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे तरीके से भी माफ़ी मांग सकती थी। मिचरू कहती है कि हाँ एरी ने माफ़ी मांगी पर अब उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसने कभी माफ़ी मांगी ही नहीं। एरी कहती है क्योंकि मैं फ्यूचर को देख के चलती हूँ और देखो द ब्रिलियंट का शिवा गैरी का आर्ट वर्क तैयार हो गया। तो मोया एरी का सर पर हाथ रखता है और कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में अपना नाम मत लो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। एरी कहती है पर तुमोया तुम मेरी फीलिंग तो समझो। इतने में कांतो कहती है कि इसमें एरी की कोई गलती नहीं है, इसमें उसने ही तो सबकी मदद की है और देखो ना उसने काम पूरा वक्त पे किया। तभी काजुमी होका कहती है कि ये बात तो सच है कि एरी को थोड़ा क्रेडिट तो जाता है कि उसने पूरी कोशिश की। और मिचरू कहती है कि एरी ने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है और सच में उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। काजुमी होका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और इतने में एरी कहती है कि कातो मुझे माफ़ कर देना। कातो कहती है अभी तो मैंने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमोया कहता है पर कातो तुमने भी तो बहुत मेहनत की है। कातो कहती हैं खैर इसके बारे में मत सोचो और तुम दोनों को कोई काम है क्या। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एओरी को दिखाया जाता है। तुमोया कहता है कि और एओरी, एओरी कहता है न जाने तुमोया कौन सी हवा चल पड़ी कि तुम दुश्मन से मिलने आ गए। तभी तुमोया कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यारे तरीके से बात कर रहे थे, अब अलग बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। एरी कहती है कि तुमोया ने मुझे बता दिया था कि जब मैं बेहोश थी तो तुमने मेरी मदद की, खैर हमारे बीच जो भी हुआ एओरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी एओरी तुमोया को पकड़ता है और कहता है यार हम दोनों क्लब ग्रुप की थोड़ी तो तू रिस्पेक्ट रख, क्यों हम दोनों के राज खोल रहा है। तुमोया कहता है आखिर तुम किससे लड़ना चाहते हो भला। और सीन शिफ्ट होता है और हमें इजुमी को दिखाया जाता है जहाँ पे एरी कहती है मुझे माफ़ कर देना मैंने तुमसे कंपटीशन किया और अब हमारा ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर हार चुका है, शायद से और भी कुछ बातें हैं मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर उससे पहले तुम इस गेम को ले लो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अगली बारी कोशिश करें और मैं अब की बारी नहीं हारूंगी। इजुमी गेम पकड़ती है और कहती है हाँ तुम मुझे फिर से चैलेंज करोगी और मैं जीत जाऊंगी। तभी एरी कहती है हे फालतू कैसे बोल रही हो। इजुमी कहती है मुझे माफ़ कर दो एरी। तभी पीछे से एओरी कहता है कि अब उन दोनों में लगता है पहले जैसी बात हो गई है। तुमोया कहता है आखिर बोल भी कौन रहा है जिसने उन दोनों को पहले झगड़ा करवाना शुरू करवाया था। तभी एओरी कहता है पर मैंने तुम्हारी पोस्ट डाली है तुमोया, तुम्हारे ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में लोग काजुमी होका और एरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्या तुमने इस गेम की रिलीज डेट अभी तक डिसाइड की है। और तभी तुमोया एरी का नाम लेते हुए काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है और इतने में हमें दिखाया जाता है एओरी तोमोया की दी हुई गेम कैसेट देख रहा होता है कि इतने में उसके हाथ से आकिना-सान ले जाती है कैसेट और एओरी कहता है आकिना-सान, और वो कहती है कि एओरी मैं तुम्हारी ये कैसेट थोड़े टाइम के लिए उधार ले रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिचरू को दिखाया जाता है। मिचरू कहती है तोमोया यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। तोमोया कहता है कि पहले विंटर हमारा ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे ही सेल होना शुरू हुआ 30 मिनट से पहले ही उसके सारे सेल बिक चुके थे। इतने में हमें सीन शिफ्ट होता है और काजुमी होका और एरी को जाते हुए दिखाया जाता है। काजुमी होका कहती है क्राउड तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं संभाल नहीं पा रही थी,
और सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योतो को दिखाया जाता है। क्योतो अपना सूटकेस रखती है तो मोया कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योतो कहती है नहीं। तभी तो मोया कहता है अब ये सब खत्म हो गया, क्योतो कहती है ये सब जल्दी हो गया ना, तो मोया कहता है क्योतो मुझे माफ कर देना। तो मोया से क्योतो कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कह दिया इसमें किसी की गलती नहीं है। तो मोया कहता है तो फिर आज हम पार्टी करेंगे क्योतो, गेम कंप्लीट होने की खुशी में। क्योतो कहती है पर मैं तो घर जा रही हूँ। और तोमोया का चेहरा देखने वाला होता है। तोमोया कहता है पर क्योतो तुम्हें कुछ तो खा लेना चाहिए। क्योतो कहती है पर मुझे आज ही जाना है। तोमोया तोमोया कहता है क्योतो क्या तुम विंटर कॉमिक को लेके इस बात पे नाराज हो, तो सच में क्योतो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्योतो कहती है तोमोया तुम अजीब हो, देखो तुम एक तो मेरे से बात नहीं करते, ना ही एरी के बारे में, ना ही डेडलाइंस के बारे में, और तुमने कॉमिक विंटर से इतनी जल्दी हार मानने का सोचा। खैर तोमोया तुम तो अपनी कही हुई बात ही खुद बोल रहे हो, कह दो कि तुम अपने ऊपर सारी चीज़ें बोझ नहीं बनाते खुद से। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगी, मैं पूरे हफ्ते खाली हूँ, मैं नात्सुका हिल तक चलूँगी, पर तुमने तो खुद से ही सारी चीज़ें करने का सोचा, तो अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है तोमोया, अब मैं ये और ज़्यादा नहीं सह सकती, मैं और नहीं करूँगी। क्योतो ऐसे कह के अपने मुंह पर स्कार्फ करती हैं और तोमोया कहता है कि क्योतो उस समय रो नहीं रही थी, बस न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसमें वो इमोशन नए थे और इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। तोमोया ऐसे कहते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा लगा, और मैं चलता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।